हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेड कोर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि मेरा कोर्स है। फुली तरह से मेरे द्वारा ही कंसेप्चुलाइज्ड किया गया है। आप किस तरह से इसमें इनरोल कर सकते हैं एंड किस प्लेटफॉर्म पे आपको ये कोर्स मिलेगा, ठीक है? तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी लेने के लिए स्टे ट्यून्ड। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेड कोर्स जो कि मेरे द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको एक ऐप पे मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी। ये जो कोर्स है, ये जो दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आएगा, मे बी इस बार का इस टाइम का थोड़ा लेट हो गया है, जुलाई अगस्त में चले गया है, तो दिसंबर वाला जैन फेब में चल जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आएगा दिसंबर में या जैन में या फेब में, उसके लिए ये कोर्स है, ठीक है? 3 to 4 months हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 months में आपका जो सिलेबस है इसका कवर हो जाएगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की आपकी एक क्लास होगी जो मेरे द्वारा दी जाएगी, एंड जो नोट्स हैं आपको वो भी मिलेंगे। ये नोट्स भी मेरे द्वारा ही फॉर्म किए गए हैं, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 100 nearby लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सारे का सारा कोर्स आपका फिनिश होगा। मेरा जो यूजीसी नेट का जीआरएफ है वो अभी दिसंबर 2019 वाली शिफ्ट में क्लियर हुआ है, तो इसीलिए मेरे माइंड में अपने सारे स्ट्रेटजी एंड अपने सारे प्लान्स हैं। मुझे पता है कि किस किस कंसेप्ट में से कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिकॉज मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2-3 बार सॉल्व किया था। तो जब भी आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे, उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इस कंसेप्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था और किस कंसेप्ट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? इसके अलावा आपको कोर्स के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, एंड जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो डिफ़िकल्टीज़ को मैंने रिमूव करने की कोशिश की है। जैसे कि मुझे अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये लगता था कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, इसमें से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, तो इन चीज़ों को मैंने बहुत ध्यान में रखा है। मैंने ऐसा नहीं किया कि जस्ट सारे का सारा कोर्स सेम फोकस के साथ आपको कवर करवा दिया। मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है कि कौन सा यूनिट एंड कौन सा कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर मैंने ज्यादा फोकस दिया है, और जो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में पूछा ही नहीं गया और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, उस पर मैंने थोड़ा कम फोकस दिया है। तो इस तरह से मैंने कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं या जरूरत से कम पढ़ रहे हैं। जिस चीज को जितने डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, मैंने उसे उतनी ही डेप्थ में पढ़ाया है। और अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करते हो तो होपफुली 80-90% चांसेस हैं कि आपका यूजीसी नेट विद जीआरएफ क्लियर हो ही जाएगा, बिकॉज जिस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी उसी तरह से मैंने इस कोर्स को भी प्रिपेयर किया है और लर्नर्स की सारी डिफिकल्टीज को रिमूव करने की कोशिश की है, ठीक है? इसके अलावा मुझे पढ़ते वक्त ऐसा लगता था कि जो बुक्स होती हैं, बुक्स से हम पढ़ते हैं, वो बहुत ही सब्जेक्टिव वे में होती हैं, तो मैं हमेशा ये चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसे नोट्स मिल जाएं जिसमें मेरा खुद बनाने में टाइम भी ना लगे, मुझे ऐसे नोट्स मिल जाएं जिसमें मैं बुक्स वाले सारे कंसेप्ट्स को एक मैनर में पढ़ सकूं, एक सीरियल ऑर्डर में पढ़ सकूं, लेकिन उस नोट्स में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी ना इलेबोरेट की गई हों एंड ज़रूरत से कम चीज़ें भी ना इलेबोरेट की गई हों। जो मुझे यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए चाहिए, जितना मेरे लिए रेलिवेंट हो, उतना ही मुझे पढ़ना पड़े। तो मैंने नोट्स को इसी फॉर्म में डिज़ाइन किया है। मैंने उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रखा जिससे पढ़ते वक्त आप बोर हो जाए या आपको नींद आने लगे। मैंने उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एंड पॉइंट टू पॉइंट मैनर में लिखा है, और साथ में फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स का यूज किया है। कहीं भी आप उसे पढ़ते वक्त बोर नहीं होंगे, और जो भी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए रेलिवेंट चीजें हैं वो सभी आपको उसमें मिल जाएंगी। और आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये चीज फील करेंगे कि जस्ट सिर्फ आप इस कोर्स पे ही रिलाई भी कर जाएं और कहीं से कुछ भी ना पढ़ें तो आप क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज इसमें मैं इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स भी आपको करवाऊंगी। और अगर आप सिर्फ इसी कोर्स पे और इसी नोट्स पे रिलाई करेंगे तो भी आपका यूजीसी नेट निकलने के पूरे चांसेस हैं, अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो, ठीक है?
इसके अलावा जो अपने डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं, हम इसमें लाइव क्लासेस भी लगाएंगे एंड आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ पे। ये जो कोर्स है, प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप है जिसका नाम है धुरीना, DHURINA, इस ऐप का ये नाम है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, साइन लॉगिन के एंड रजिस्टर के। आप न्यू यूज़र हैं इसीलिए आप रजिस्टर करेंगे। आप जब खुद को रजिस्टर कर देंगे तो आपके पास अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। दोबारा से ऐप खोलेंगे तो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड ही फिल करना है, बिकॉज आप एक बार रजिस्टर हो चुके हैं। उसके बाद जो आपके पास यूज़र पैनल खुलेगा उसमें आपको टीचर एग्ज़ाम्स पे क्लिक करना है। टीचर एग्ज़ाम्स पे जाके आपको UGC नेट इकोनॉमिक्स बाय सिमरनजीत कौर ये कोर्स मिलेगा। उस पर आप मेरी फ़ोटो भी देख सकते हैं। आप उस पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप उस कोर्स को अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं और इसका एडवांटेज पूरा ले सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये स्पेशली आपकी डिमांड पे है, लर्नर्स की डिमांड में के लिए, लर्नर्स की डिमांड को ध्यान में रखते मैंने बनाया है। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था इस कोर्स को बनाने के लिए, लेकिन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के मैसेजेस एंड कमेंट्स आते थे कि आप खुद का एक कोर्स बनाओ जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स एंड सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके द्वारा कंसेप्चुलाइज्ड किए जाएं और हमें आपसे पढ़ना है। तो इस तरह की कमेंट्स एंड मैसेजेस के बाद ही मैंने फाइनल डिसीजन लिया इस कोर्स को बनाने के लिए और अपना टाइम निकाला। तो आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए और होपफुली इसका आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा। इसमें मैं पूरा दिल से पढ़ाऊंगी, आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे एंड होपफुली आपका UGC नेट जो है वो आने वाले शिफ्ट में क्लियर हो जाएगा। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल MS स्टडी गुरु को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको तब भी इस कोर्स की एनरोलमेंट में कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, उन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में धुरीना ऐप का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।